नमस्कार हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है दर्शकों इस कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां हम पहुंचा सकें आजकल हम देख रहे हैं देश के बहुत सारे भाग में आई फ्लू का प्रकोप फैल गया है आई फ्लू आखिर है क्या ये आँखों से संबंधित ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका क्या कारण है क्यों इस मौसम में ये बीमारी होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं इसका उपचार क्या है इस बारे में आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे आई फ्लू और आँखों की सुरक्षा इस विषय पर आपको जानकारी देंगे हमारे साथ वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप शिखा अग्रवाल जी साथ हैं नमस्कार मैम स्वागत है आपका धन्यवाद और आप दर्शकों को हम जानकारी देंगे आँखों की सुरक्षा के बारे में डॉक्टर साहब जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी पूरे देश में लगभग काफ़ी जगहों में आई फ्लू का प्रकोप देखा जा रहा है तो ऐसा क्यों है क्यों ये आई फ्लू जो है इस मौसम में फैल रहा है जी हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आई फ्लू जो है जिसको कि हम कंजेक्टिवाइटिस भी कहते हैं तो एक वायरस है जिसको हम एडनो कंजेक्टिवाइटिस कह रहे हैं उसकी वजह से ये आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है पर चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो जैसा हम सभी को पता है कि ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है कि जैसे ही हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या उनका उपयोग किया हुआ सामान यूज़ कर लेते हैं तो उससे दूसरे व्यक्ति को चला जाता है इस तरह से ये पूरे हमारे देश में फैला हुआ है और इसमें सभी छोटे बड़े हर उम्र के लोगों को इसका प्रभाव आ रहा है जी। और ये वायरस की वजह से फैला हुआ है और स्पेशली ये मौसम में जब बारिश होती है जहाँ पर कि पानी भी थोड़ा गंदा हो जाता है जी। और उसमें हमारे हवा के द्वारा भी फैलता है तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से ये कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू फैला हुआ है तो डॉक्टर साहब ये कहें कि ये संक्रामक बीमारी भी है जी हाँ ये संक्रामक है कि यदि घर में रहने वाले व्यक्ति को किसी एक को यदि आई फ्लू हुआ है उसकी ये साथ हम रह रहे हैं यदि उनका कुछ भी यूज़ किया हुआ टॉवल है रुमाल है वो हमने यूज़ कर लिया है या जिन्होंने अपने आँख में हाथ लगाया हो कोई भी सरफेस को सतह को छू लेते हैं और उसको हमने भी टच कर लिया तो इस तरह से वो दूसरे व्यक्ति को हो जाता है इसी तरह वर्किंग प्लेस है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं काम करने में आप जिन भी अपने कोलीग्स के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पर भी यदि किसी को है तो वो फैल जाता है स्पेशली स्कूल्स में जहाँ बच्चे सब इकट्ठे पढ़ रहे हैं तभी भी ये फैलता है तो ये संक्रामक है एक दूसरे के से के संपर्क में आने से ये फैलता है डॉक्टर साहब ये आई फ्लू या कंजेक्टिवाइटिस कितना खतरनाक हो सकता है देखिए खतरनाक ऐसा है कि ये मेनली जो होती है हमारी एक आँख की पारदर्शी झिल्डी होती है जिसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं जी उसमें ये इफेक्ट करता है पर इसके साथ साथ जो हमारी एक कॉर्निया होता है जिससे कि हम हमारा एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम को दिखाई पड़ता है उस स्ट्रक्चर को भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है तो यदि कंजक्टवा बस को असर डालता है तो उसका एक ड्यू कोर्स होता है क्योंकि फिर वायरस धीरे धीरे अपने आप ही वो मरने लगता है और ख़त्म हो जाता है तो उसमें कम से कम सिक्स टू सेवन डेज लगते हैं और वो अपने आप ठीक होने लगता है लेकिन उस समय चूँकि तकलीफ़ें होती हैं तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं पर यदि ये कॉर्निया में असर डालता है तो उसके भी अलग अलग लेयर्स होते हैं तो वो किस लेयर को डाल रहा है यदि वो सुपरफिशियल लेयर है तो वो भी धीरे से ठीक हो जाता है लेकिन यदि वो अंदर की सतह को को असर करता है तो उससे आँखों में एक सफ़ेदी आ जाती है जो सफ़ेदी कई बार परमानेंट हो सकती है जी ऐसा बहुत नहीं हुआ है लेकिन कुछ लोगों में ये पाया गया है कि ये और अंदर तक भी इन्फेक्शन कर सकता है तो चूंकि यदि ये समय रहते इसको हम सावधानी से इसकी सावधानियां रख लें तो ये एक छः सात दिन में ठीक हो जाता है और भयानक रूप नहीं लेता भयानक रूप नहीं लेता जी डॉक्टर तो साहब कई बार हमने देखा है कंजेक्टिवाइटिस या आँख आ, की बीमारी जो आँख खाना भी बोलते हैं बोल चाल की भाषा में तो इसमें कई लोग घरेलू इलाज भी कर लेते हैं तो ये कितना घातक हो सकता है नहीं ये तो बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि कई बार मरीज़ आते हैं कहते हैं हमने शहद डाल लिया कभी कहते हैं कि वो हमने गुलाब जल डाल लिया है कभी और भी कुछ जो घरेलू दवाइयाँ होती है बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि ये सब टॉक्सिक होती हैं इनकी रिएक्शन होती है और इससे कंजक्टिवाइटिस से तो आँख ख़राब नहीं होगा पर ये दवाइयाँ डालने से ख़राब हो जाएगा और यहाँ पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी क्योंकि दवाइयाँ कुछ होती हैं जो बाज़ार में मिलती हैं जिनको कि स्टेराइड कहते हैं और जो स्टराइड होता है सफ़ेद दूध जैसी दिखाई पड़ती हैं कभी कभी दूसरी पानी जैसी भी होती है और वो दवाई यदि हम आँखों में डालते हैं तो उससे आपका तुरंत ही सफ, जो लाल आँख होती है वो सफ़ेद हो जाती है लेकिन जब हम इस्टराइड को डालते हैं प्री जब ज़रूरत नहीं है उस समय उस उसमें जो वायरस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है शुरू में तो आपको लगेगा कि मेरी आंख लाल से सफ़ेद हो गई है लेकिन वो वायरस वहाँ पड़ा रहता है और जैसे ही आपने ये दवाई को बंद किया तो वो फिर से वायरस एक्टिव हो जाता है और उससे आपके कंजेक्टाइटिस का समय भी बढ़ जाता है उसके दुष्परिणाम भी हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर हमारे जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगी कि दवाइयाँ अपने मन से बिल्कुल भी ना डालें घरेलू दवाइयाँ ना डालें और जो भी मेडिकल स्टोर के लोग हैं वो भी अपने मन से कोई भी स्ट्राइड दवाइयाँ इन परिस्थितियों में ना दे नहीं तो उसके बाद उसके बहुत सारे दुष्परिणाम आते हैं बिल्कुल यानी हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि आप कोई भी घरेलू प्रयोग ना करें अगर कंजेक्टिवाइटिस अगर हो गया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और पहले जांच कराएं उसके बाद डॉक्टर के परामर्श से ही इलाज बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर तो साहब बच्चों जो छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं उनको अगर ये कंजेक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो गया है तो उनको कैसे बचना चाहिए इससे उसमें भी देखिए चूंकि बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों में थोड़ा सा इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है और चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके आँख के शरीर की इम्यूनिटी कैसा है क्योंकि जब भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर में अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है वो उसके अगेंस्ट में लड़ना शुरू करती है जी। तो यदि आपकी वो क्षमता अच्छी है तो वो वायरस बहुत समय तक नहीं टिकाता पर यदि वो क्षमता कम है तो फिर उस समय इन्फेक्शन के दूसरे रूप आना सामने शुरू होते हैं तो बच्चों के लिए भी वही है कि चूंकि इस इन्फेक्शन में ऐसी ही कोई एंटी वायरल दवाइयाँ नहीं हैं कि जिनको देने से हम उस वायरस को ख़त्म कर देंगे केवल हम लोग देते हैं कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं मार्केट में मिलती हैं जिससे कि चूंकि आँख गढ़ रही होती है लाल हो रहा है डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो उस समय में हम उनको ये लुब्रिकेंट आई ड्रॉप देते हैं एक एंटीबायोटिक भी ड्रॉप हम लोग उसमें सप्लीमेंट करते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं तो इसलिए उसके साथ में ये दवाई दी जाती है तो यदि बच्चे हैं बुज़ुर्ग हैं इनको स्पेशल ये प्रिकॉशन रखनी है और साथ में उनको ये दवाई क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है कि कई बार छोटा बच्चा है वो बोल भी नहीं पा रहा है बता भी नहीं पा रहा है तो ये हम जब डॉक्टर से परामर्श ले लें और उनको उस तरह की दवाइयाँ शुरू करें तो उससे वो ये छः सात दिन में उसमें आराम आना शुरू हो जाता है जी डॉक्टर सब कोई व्यक्ति यदि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है और ये आई फ्लू चूंकि फैला हुआ है या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहता है तो उसे किस प्रकार की सावधानी रखनी होगी जी आ, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन्होंने मोतियाबिंद कराया है जी उनको हम लोग एज ए एंटी इन्फ्लामेट्री दवाइयाँ देते हैं एज एस एस्टेराइड देते हैं अब उस समय यदि उनको कंजेक्टिवाइटिस हो गया है तो फिर हमें वही डॉक्टर से परामर्श करना है और दवाइयों में जो स्पेशल हमें समय वायरल इन्फेक्शन के लिए दे रहे हैं वो देंगे और उनके क्लोज़ फॉलोअप होने चाहिए क्योंकि ऑपरेशन तो हो गया है इसके पीछे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने जो किया कि मोतियाबिंद है जी। और मोतियाबिंद वाले मरीज़ को ऑपरेशन कराना है तो यदि उनको कंजेक्टिवाइटिस हुआ है तो जो हमारे लिटरेचर कहते हैं कि ठीक होने के बाद भी वो कम से कम छः से आठ सप्ताह तक वायरस रहता है वो इन्फेक्शन नहीं कर रहा है लेकिन वो शरीर के अंदर में है तो उस परिस्थिति में कम से कम छः से आठ सप्ताह ऑपरेशन नहीं करना है जिनको हुआ है और यदि ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में कंजेक्टिवाइटिस हुआ है और वो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो कम से कम आठ दस दिन रुक जाना चाहिए परिवार के सभी लोग उनका इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए उसके बाद फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना चाहिए क्योंकि एक आध केस ऐसा पाया गया है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उस आँख में एंडोपथलमाइटिस हो गई है मतलब जो कि एक अच्छा इन्फेक्शन नहीं माना जाता है तो इसलिए हमें वो सावधानियाँ बरतना चाहिए और इलाज समय पे शुरू करना चाहिए बिल्कुल डॉक्टर साहब आई फ्लू के बारे में और भी जानकारियां लेंगे हम अभी देख लेते हैं ये संदेश मेरी अपनी सबकी है ये अपनी सबकी है ये आज ही नहीं कल की है ये अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें हर मुश्किल का हल है सुझाती जीने की एक राह दिखाती अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें 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 एक बार फिर स्वागत है आपका हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं आई फ्लू और आंखों की सुरक्षा के बारे में डॉक्टर दीप शिखा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब इससे पहले हम अभी आपने बताया कि किस प्रकार से जो है आई फ्लू खतरनाक भी हो सकता है और किस प्रकार से मोतिया जो कराना चाहते हैं ऑपरेशन जिनको है और मान लो उनको आई फ्लू हो गया है या कैसे वो बचें इस पर आपने अभी जानकारी दी अभी हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब बरसात का दिन है और इन दिनों में खासकर हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए ताकि ये जो बीमारियां हैं आंखों से संबंधित या ना हो जी ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आ, जो हमारे बारिश के समय में बहुत सारी जगहों में जो तालाब होते हैं जी इनमें पानी गंदा हो जाता है और गाँवों में एक प्रथा सी है कि सभी लोग जाके तालाब में नहाते हैं तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि इस बारिश के समय में कम से कम तालाबों में जाना बंद करें घर में स्वच्छ पानी से नहाएं और क्योंकि वहाँ पे आपके जो पशु हैं वो भी जाकर उसी तालाब का उपयोग करते हैं तो उसमें वायरल इन्फेक्शन तो फैलने के चांसेस होते ही हैं पर एक और इन्फेक्शन होता है जो राइनोसपोरी बोलते हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ इलाके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हमारे पशु और मनुष्य दोनों ही उस तालाब में नहाते हैं तो बारिश में इसकी प्रिकॉशन रखें दूसरी बात आप जब बाहर जा रहे हैं तो अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है तो यदि आप गॉगल्स यूज कर सकते हैं चश्मे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अपना जो राज्य है कृषि प्रधान है खेती बाड़ी का भी समय है, है, खेतों में जाना पड़ता है तो उस समय भी कुछ हमारी प्रोटेक्टिंग ग्लासेस होती हैं जिससे कि आप अपनी आँखों को पानी से कीचड़ से बचा सकते हैं या काम करते वक्त वहाँ पर यदि लोगों को आँख लाल है तो उसमें भी वो सावधानी बरते तो बारिश के समय में यदि ये सब सावधानियाँ बरती जाएंगी तो ये आई फ्लू फैलने से हम रोक सकते हैं और यदि एक को भी आई फ्लू है वो समय पर बता देते हैं अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं तो बाक़ी लोगों को फैलने की संभावनाएं है, कम हो जाती हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब एक अभी हमने देखा है कोरोना काल के समय से अभी चला आ रहा है काफ़ी लोग जो हैं कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं मोबाइल का चलन तो है ही है खासकर हम युवा वर्ग किशोर वर्ग आजकल तो बच्चे भी मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो ऐसे में आंखों से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उसे हम कैसे बचा सकते हैं जी हाँ, हाँ। आजकल हर चीज़ें कंप्यूटर में है हाँ। मतलब लाइब्रेरी में भी आजकल बुक्स की जरूरत ही नहीं है सब चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल तो पढ़ने के लिए काम की जगहों पे हर जगह कंप्यूटर के यूज हो रहा है और उसको आप मना नहीं कर सकते हो और कम से कम लोग आठ से नौ घंटे तक कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे जो वो प्रभाव उसका आ रहा है वो है एक तो ड्राई आईज का आँखों में थकान लोग आके कंप्लेन करते हैं कि कंप्यूटर यूज़ करने के बाद में आँखों में थकान होती है तो उसके कुछ कारण हैं कि जैसे आप जब कंप्यूटर लगातार यूज़ करते हैं तो हमारे जो आँखों की पलक का झपकना होता है ब्लिंक्स होते हैं जी� ये एक नेचुरल तरीके से होना चाहिए तो जब हम लगातार कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारे ब्लिंक्स कम हो जाते हैं तो जो हमारी आँखों में जो एक सर्फ जो आँखों को एक मॉइस्ट करती है आदर करती है वो सरफेस सूखने लगती है तो उसकी वजह से आँखों में सूखापन आता है दूसरी बात होती है कि हमारा जो कंप्यूटर का एक डिस्टेंस होता है इसको प्रॉपर तरीके से नहीं मेंटेन कर पाते हैं फिर जब भी जहाँ भी कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे अधिकतर एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो भी एक वातावरण को ड्राई करता है तो इनके लिए कुछ सावधानियां हैं जैसे जब भी जो लोग लंबे समय तक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो एक ट्वेंटी ट्वेंटी का रूल है जी उसका मतलब होता है कि यदि आप बीस मिनट से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो बीस सेकेंड के लिए आप बीस फिट की दूरी पर देखिए उससे आँखों में एक रिलैक्स होती हैं आँखों में जो एक स्ट्रेन आ रहा है दबाव आ रहा है वो आ, कम हो जाता है दूसरी बात हमें आदत डालना चाहिए कि हम आँखों की पलक को झपके बीच बीच में हमारी आँखें की झपकना चाहिए और तीसरा है कि एयर कंडीशन जो है एकदम सामने ना आए पीछे से आए तो उसकी वजह से आँखों में सूखापन नहीं आएगा और यदि जो बच्चे हैं मोबाइल के जो गेम्स कर रहे हैं उससे खेल रहे हैं इसको अवॉइड करना चाहिए और उसमें माता पिता की जवाबदारी वो कई बार माता पिता आते हैं बोलते हैं ये बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है तो मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि मोबाइल दिया किसने जी, है। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि थोड़ी देर खेल करें लेकिन उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि वो आँखों के लिए नुकसान है और इसी कोरोना के दौरान जो आपने कहा ये कुछ स्टडीज़ की गई हैं जिसमें ये पाया गया है कि जिन लोगों ने Uh, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की कम हो गई थी बिल्कुल कंप्यूटर पूरे टाइम यूज कर रहे थे तो उससे आंखों के जो नंबर थे माइनस नंबर थे उनमें बढ़ाना शुरू हुआ जी. क्योंकि वो दिन भर अपना कंप्यूटर यूज कर रहे जी. थे तो तभी भी ये सलाह दी गई कि बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है आपके पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज आउटडोर एक्टिविटी बहुत जे, जे, जरूरी है जे, 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 तभी हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को किशोरों जे, को डॉक्टर साहब एक जो है बीमारी बीमारी कहें या छोटी सी समस्या जो आंखों में बार बार सलोनी होना ये क्यों होता है जी ये भी एक हमारे पलक की एक डक्ट होती है जिसका इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन एक तो होता है कि कभी कभी अचानक से आ गया है आपके पलक में कोई इन्फेक्शन आया और वो सलोनी हो गई और दूसरा कारण होता है कि जिसको बार बार यदि हो रही है उम्र है तो कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से ये हो सकता है शुगर की बीमारी की वजह से तो यदि बार बार हो रहा है तो उसको भी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए अपनी शुगर टेस्ट कराना चाहिए और फिर उसका भी यदि अपन समय रहते हुए इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है लेकिन उसमें आपको सावधानी की ज़रूरत है कि आप प्रॉपर इलाज कराएं और उसका को ठीक करने जी डॉक्टर तो साहब बार बार पलक झपकना भी एक प्रकार की बीमारी है क्या जी हाँ ये पल पलंग झपकने में एक तो होता है कि किसी के आंख में कुछ कचरा है जी जी. या कोई दाने आ जाते हैं तब वो पलक झपकना शुरू करते हैं दूसरा वही है कि जिसके आंखों में सूखा पन आ जाता है तो जब सूखी लगती है आँख तो वो अपने आप झपकना शुरू हो जाती हैं जी और तीसरा कारण होता है कि कभी कभी बच्चे अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए कि, कि किसी कारण से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या वो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो पलक झपकना चालू कर देते हैं तो जब एक बार जांच की जाती है तब फिर हमें ये जानकारी होती है कि ये कारण क्या है क्यों जा रही है डॉक्टर जैसे कि आ, कई सारे आ, मतलब बच्चों में एक भैंगापन की है। समस्या है। देखने को जी। मिलती जी। है तो क्या ये ये भी एक बीमारी है या नवजात शिशुओं में अक्सर ऐसा देखा जाता है जी एक्चुअली भेंगापन जो रहता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं एक कारण तो होता है न्यूरोलॉजिकल कि कोई नस ठीक से काम नहीं कर रही है इसलिए वो आंख तिरछी हो गई है दूसरा कारण होता है कि चश्मा यदि बच्चे की नजर कम है लेकिन उसने चश्मा नहीं लगाया है तो उस आँख ने काम करना कम कर दिया है और वो तिरछा होना शुरू हो गया है जी, और कभी कभी होता है कि कोई चोट लग गई है और उसकी वजह से आंख तिरछी हो रही है तो कभी कभी लोग ये मानते हैं कि तिरछा आँख होना एक अच्छा वो है मतलब स्पेशली गाँव में इसलिए तिरछे आँख वाले को शुभ मानते हैं और उसका इलाज नहीं करना चाहते हैं कभी उनके मन में ये धारणा होती है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हम आके उसका इलाज कराएंगे पर यह बिल्कुल गलत है तिरछा आँख होना जैसे ही यदि होती है और यदि उसको समय पे चश्मा दे दिया जाए समय पर उसका उपचार कर दिया जाए तो वो आँख सीधी हो जाती है और उसकी नज़र भी बढ़ जाती है उसमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि उसमें ऑपरेशन करना है तो उसका ऑपरेशन भी किया जाना चाहिए तो तिरछा आँख होना यदि तिरछा आँख है और उसका इलाज नहीं किया गया है तो वो काम करने वाला एक नहीं बस थी जिसको हम लोग एम्बराई कहते हैं या कामचोर आँख कहते हैं जी तो उसका समय पर इलाज होना चाहिए यानी डॉक्टर को जरूर दिखाना, जरूर दिखाना चाहिए, और चाहिए। परामर्श के अनुसार ही इलाज जी। करवाना डॉक्टर साहब जन्मजात भी क्या आंखों की बीमारियां कुछ होती हैं जी हाँ जन्मजात बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि एक तो मोतियाबिंद है जो जन्मजात आ जाता है सफेद सफेद दिखने लगता है दूसरा होता है कि कांचिया बिंद है जो जन्म जाता जाता है जिसमें आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती हैं एक और बीमारी होती है जिसमें आंख का कभी कैंसर होता है वो भी कभी कभी जन्म आ सकता है पलक झुकी हुई रहती है जिसको कि हम लोग टोस टोसिस कहते हैं वो भी जनजात हो सकता है तो ऐसी बीमारियां हैं चश्मे हैं वो जनजात आ सकते हैं जी। तो पर चश्मे के बारे में आपको शुरू में पता नहीं लगता है जब तक कि बच्चा देखना शुरू नहीं करता है तो इसीलिए बच्चे को जब जैसे साल भर का है तो एक बार आँख चेकअप करा ली जाए और इसीलिए जो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं कि वहाँ पर हम आँख के जो डॉक्टरों से की टीम है वो जाती है स्कूल में और वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास में बच्चे आते हैं उन लोगों की जांच करते हैं जिससे हमें पता लग जाता है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों की आंख की जांच करना क्योंकि यदि समय पर पता लग जाता है तो इनकी नज़र बढ़ सकती है जी। क्योंकि हमारी आंखों की नज़र छः से आठ साल तक बढ़ती है यदि उसके बाद इलाज कराया जाए तो वो यदि नज़र कमज़ोर है और जिन कारणों से हम उसको ठीक कर सकते हैं फिर वो नहीं ठीक हो पाती है तो इसलिए बच्चों के जनजात जो आती हैं उनमें जो भी प्रभाव आते हैं उसका समय पर इलाज हो जी मोतियाबिंद भी बच्चों का हो जाता है जी महीने भर के बच्चे का पंद्रह दिन के बच्चे का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाता है जी डॉक्टर साहब ये जो आ, आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानकारी दी है अब हम वापस आते हैं आई फ्लू पर आई फ्लू या कंजेक्टिव ना हो इसके लिए हम क्या सावधानी रखें और दूसरों को ना फैले इसके लिए क्या सावधानी जे, रखें जे, हम आ, हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ ये महत्वपूर्ण तो है क्योंकि आई फ्लू तो फैला हुआ है उसको कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वायरस फैला रहा है लेकिन कंट्रोल करना हमारे हाथ में ये है कि यदि हम लोग सब सावधानियाँ बरतें जिनको भी आई फ्लू हुआ है उनसे हम दूरी बना के रखें हैंड हाइजीन जिसको कहते हैं आप हाथ बार बार धोएं आँखों में हाथ ना लगाएं जो भी स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं अभी ना जाएं तालाबों में ना जाएं और अपने जो तौलिया हैं नैपकिन हैं इनको आपस में एक दूसरे से अलग रखें जो इस तरह की पूरी सावधानियाँ यदि आप बरतेंगे तो आई फ्लू दूसरे को नहीं फैल पाएगा और चश्मा लगा के रखें यदि हो गया है तो इससे भी नहीं फैलेगा क्योंकि वो टच से भी फैलता है और एयर से भी फैलता है हवा से भी फैलता है तो ये सारी सावधानियां बरतने से हम अपनी आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं और यदि हो गया है तो समय पर इलाज कराएं अपने मन से कोई भी दवाइयां ना डालें घरेलू दवाइयां ना डालें मेडिकल स्टोर में ला कर खुद से दवाइयां ना लें तो इन तरह से हम उसके आए हुए कॉम्प्लिकेशन को भी रोक सकते हैं बिल्कुल और आजकल बाजारों में तो चश्मे ऐसे आते हैं जो पारदर्शी होते हैं और वो हमें करते प्रोटेक्ट, करते प्रोटेक्ट करते, करते हैं हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से यदि हम सावधानी रखें तो आई फ्लू जैसे बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी बच, बच सकते, सकते, हैं। सकते हैं जैसे मास्क लगाने से बहुत सारी बीमारियां को हम रोक सकते हैं तो वैसे ही चश्मा लगाकर हम आई फ्लू जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं सब जी हम लोगों ने देखा है कोविड में मास्क ही था वैक्सीन के साथ में मास्क ही था जिसने सबको बचाया हुआ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद तो दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी का आप अवश्य लाभ उठाएंगे अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नमस्कार